रुक करते हैं कैथल की ओर। सराफा बाजार नोटबंदी के कारण बिल्कुल ठप सा हो गया है और सभी दुकानों पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे वहां के कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ग्राहक सराफा बाजार में देखने को नहीं मिल रहे हैं और ग्राहक नई करेंसी न होने के कारण बाजार में नहीं आ रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि शादी वाले घर को 2.5 लाख रुपए उसके खाते से मिल सकते हैं, पर वो भी नहीं हो रहा है। बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों के पास नगदी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। आपका नाम जी? अरुण सराफ। अरुण जी, नोट, आप एक सराफा व्यापारी हैं, नोटबंदी का सराफा बाजार पे क्या असर देखते हैं आप? नोटबंदी पे पिछले 15 दिन से सराफा व्यापार का बिल्कुल कारोबार ठप है। ग्राहक, कोई भी ग्राहक लेने देने के लिए आ नहीं रहा, कोई आता है तो भाव पूछ के चला जाता है, ना कोई लेना हो रहा है ना कोई देना हो रहा है व्यापार। शादियों का सीजन है, शादियों में जेवर एक प्राथमिकता होती है जेवर की, तो कैसे मैनेज हो रहा है? कैसे, वो बाद में सोच रहे हैं कि बाद में चलाएंगे, जिन्होंने पहले बनवा लिया ठीक है, इस सीजन से पहले नहीं, वो बाद में करेंगे जैसे होंगे। आप एक तरह व्यापारी हैं, नोटबंदी का आपके काम पे क्या असर? काम मंदे है जी, बिल्कुल काम ही नहीं है। सवेर के खाली आवे खाली जावे, कोई ग्राहक की है ही नहीं। तो नोटबंदी को कैसे देखते हैं आप? नोटबंदी कोई समझ में तो आई नहीं जी, कुछ नहीं बिल्ले। आपका नाम जी? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आप एक सराफा व्यापारी हैं जी, जब से नोटबंदी हुई है आपके काम पे क्या असर? ऐसा है सर, जब से नोटबंदी हुई है 9 तारीख के बाद हमारा दुकानों पे आने का मन नहीं करता। उसका सीधा सीधा सा कारण है कि हमारे पास कस्टमर नहीं है और हम दुकानों पे आके क्या करें, क्योंकि लाइनों में बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से कस्टमर अपना पैसा एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। शादियों का सीजन है, हमारे पास कस्टमर कोई परचेजिंग करने नहीं आ रहा दुकानों पे।